तो से देखो, अब सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज समझ के चलिए कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में लोगों को ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, और मैं इसको आपको डेप्थ में समझाऊंगा। सर देखो, हाँ बेसिकली क्या है कि एक सर, जैसे आप, ये आपने बताया था कल प्राइमरी हाँ मार्केट, मैं मतलब दोबारा आपको समझाता हूँ, थोड़ा ओके आगे ओके ओके आज मैं ओके जिसको आपको डेप्थ में समझाना है यहाँ से स्टार्ट होगा, प्राइमरी मार्केट है ना। तो सर ओके देखो, सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ के चलो कि आपको, आप सब्जी खरीदते हो तो सब्जी आपके पास में सबसे पहले जहां प्रोड्यूस होती है वो हो गया प्रोड्यूसर, ठीक है। अब वो जो सारे प्रोड्यूसर हैं वो सारे क्या करते हैं, भाई किसी ने गोभी पैदा करा और किसी ने आपके पास में धनिया पैदा करा और किसी ने टमाटर बनाए और किसी ने आलू, है ना। तो वो सारा का सारा सामान, अब एक ही आदमी सारा सामान तो बनाता नहीं है, तो क्या होता है कि एक ट्रक आएगा और उस ट्रक के अंदर वो सब लोग अपनी सब्जियां रख देंगे और वो ट्रक चला जाएगा और उस ट्रक को सब्जी मंडी में जाकर कोई खरीद लेगा, है ना, और उसमें रखी सब्जियां खरीद ली जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन हमारा स्टार्ट होता है। तो बेसिकली एक हो गई, पी से याद रहेगा आपको प्रोड्यूसर और एस से याद रहेगा आपको सेलर। तो प्रोड्यूसर मार्केट हो गई प्राइमरी मार्केट, और सेलिंग मार्केट हो गई आपके इसमें सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसी जगह है जिस जगह पर सिक्योरिटी सबसे पहले पैदा होंगी, मतलब सबसे पहली बार किसी को बेची जाएंगी। अब वो किसी पब्लिक को भी बेची जा सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट भी हो सकती है भाई। आप इसकी, अब जैसे क्या कहते हैं कि सारा का सारा सामान जो आपके पास में, अब इस समय पर एलन मस्क ने खरीद लिया। अब एलन मस्क जब कभी आपके इसमें इसके शेयर निकालेगा तो वो प्राइमरी मार्केट में निकालेगा, मतलब उसके नए शेयर निकालेगा, फर्स्ट टाइम उसके शेयर निकलेंगे वो, क्योंकि वो कंपनी डिलिस्ट हो गई, वहां से हट गई, अब उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी क्योंकि सारे शेयर उसके पास है, कंपनी को हटा दिया उसने, है ना। अब उसके बाद में क्या है कि जब भी कभी वो एक फ्रेश इशू निकालेगा, इसके अंदर चेंजेस करके सिस्टम को बदल कर और एक नए तरीके से इशू निकालेगा इसका, तो वो होगी अब कैसा प्राइमरी मार्केट, वो उसका फर्स्ट टाइम का इशू है। अब चाहे वो उसके अंदर अपना स्टेक सेल करेगा, चाहे नए शेयर्स निकालेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटीज बेची जाएंगी, चाहे वो सिक्योरिटीज बेची जाए एक आपके इसमें पब्लिक को या बेची जाए किसी इन्वेस्टर को जो कि बड़ा इन्वेस्टर है ना। तो ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी मार्केट। और जब कभी भी उन सिक्योरिटीज के अंदर परचेजिंग एंड सेलिंग होगी, मतलब ट्रांजेक्शन होनी शुरू होंगी, तब ये बन जाएगी सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट जनरली ट्रेडिंग वाली मार्केट जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। ये बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अच्छा देखो, अब हमारे पास में, अब हम आते हैं और आगे इस चीज को समझते हैं इन डेप्थ, हमारे पास आती है प्राइमरी मार्केट। तो बेसिकली क्या है, प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी इशू कर कर चलती है अपनी, मतलब ना अपने शेयर्स को एक फ्रेश कैपिटल को रेज करने के लिए। अब ये पब्लिक ऑफरिंग भी हो सकती है या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट भी की जा सकती है। तो कंपनी ने ऑफर करे न्यू शेयर्स, कंपनी ने इशू करे न्यू शेयर्स, अब उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स भी हो सकते हैं। अब एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे तो ऑफर फॉर सेल कहलाएगा और न्यू शेयर्स होंगे तो न्यू इशू कहलाएगा। सर एक एक डाउट, ये एंजल इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट इसमें आते हैं क्या, या वो अलग है? एंजल इन्वेस्टर्स सर भी सब सब में प्राइमरी मार्केट ये में आते हैं मैं क्या? आपको ना सब धीरे धीरे करके, देखो मैं ये बात जानता हूं इस समय पर कि आप इस समय मार्केट को समझना चाहते हो और आपको मार्केट की नॉलेज भी है, तो हाँ समझ बात को। तो बेसिकली है कि आपको जो नॉलेज है ना वो अलग अलग जगह से अलग अलग करी हुई नॉलेज है। मैं जो आपके पास बना रहा हूँ, मैं आपके दिमाग में धीरे धीरे फोल्डर्स बना रहा हूँ कि सब कुछ ना ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाए कि जब कभी आपको उठाना हो तो आप दिमाग से सही से उठा पाओ बिना मिक्स करे, ठीक है। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो धीरे धीरे, देखो मैंने आपको बिल्कुल कहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल वहां से स्टार्ट किया जहां पे कंपनी की फॉर्मेशन होती है, और मैं आपको वहां लेकर जा रहा हूँ जहां ये कंपनी आपके पास में अपना फ्रेश इशू इशू कर रही है और बाद में इसको ट्रेडिंग पे लेकर आएगी, है ना। और ट्रेडिंग के पार्टिसिपेंट्स वगैरह सारे इंटरमीडिएट सारे बीच में आने शुरू होंगे, वो मैं हर चीज आपको समझाऊंगा। तो आप बस ना इधर उधर की चीजों को मिक्स मत करो, इसे जिस ऑर्डर में मैं लेके चलूँ उस ऑर्डर में मेरे साथ चलो आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या है प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर पी का मतलब प्रोड्यूसर है, पी का मतलब प्राइमरी है, तो प्राइमरी मार्केट मतलब प्रोड्यूसर मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी इशू कर कर चलती है अपनी फ्रेश कैपिटल को। अब जब कंपनी इशू कर कर चलेगी अपनी फ्रेश कैपिटल को, तो फ्रेश कैपिटल्स को लेके किससे चलेगी, इन्वेस्टर से लेकर चलेगी। तो हम याद करके चलेंगे, ये कंपनी ने अपने शेयर्स को किसी को देना है, उसको पार्टनरशिप देनी है अपनी कंपनी के अंदर और उससे पैसे लेने हैं। इन्वेस्टर किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा क्योंकि वो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप लेना चाहता है, तभी वो शेयर होल्डर बनेगा। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर आप पब्लिक ऑफरिंग भी कर सकते हो और प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप को भी दे सकते हो आप, है ना। इतनी बात समझ में आती है हमारे को।
अब प्राइमरी मार्केट मतलब प्रोड्यूसर मार्केट जो आपके पास में, इसमें जो शेयर्स हैं आप नए शेयर भी इशू कर सकते हो, और ये भी ओके पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग शेयर्स हो और प्रमोटर या आप खुद उन शेयर्स को बेचो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट के अंदर तो मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप या तो अपने शेयर्स को बेचो या आप नए शेयर्स इशू कर दो आप। ठीक है जी, तो ओके जब आप कभी नए शेयर इशू करोगे तो फ्रेश ऑफरिंग कहलाएगी आपकी, या फिर आप एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचोगे तो ऑफर फॉर सेल कहलाएगा। ओके ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके एग्जिस्टिंग बड़े इन्वेस्टर्स या जो प्रमोटर्स हैं वो अपने पोर्शन को पब्लिक को बेच सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो कभी भी कभी सेकेंडरी मार्केट में आने से पहले स्टॉक सबसे पहले कहाँ बेचा जाएगा, प्राइमरी मार्केट में। भाई कोई भी अगर आप देखेंगे किसी भी स्टॉक को अगर कभी सेल किया जाएगा तो सबसे पहले कहाँ बेचा जाएगा, उसको हमेशा प्राइमरी मार्केट में बेचा जाएगा। मतलब पार्टनरशिप ओके कहाँ सेल की जाएंगी, हमेशा प्राइमरी मार्केट में। तो यहाँ पे क्या है, आप इसे कहाँ सेल करोगे, हमेशा प्राइमरी मार्केट के अंदर आप इसको सेल करके चलोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अब देखिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आता है पब्लिक इशू क्या होता है। तो देखिए सर, तब पब्लिक इशू के अंदर क्या होगा कि आपने अपनी सिक्योरिटीज को किसको देकर चलना है, पब्लिक को। और इसके पब्लिक अंदर कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी इसके अंदर आके पास कोई भी एलिजिबल इन्वेस्टर आएगा और इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है इस इशू के अंदर। इसको कई बार रिटेल इशू भी बोलते हैं। तो कभी पब्लिक इशू पूछा जाएगा तो आप कहोगे ऐसी सिक्योरिटीज जो पब्लिक को या मेंबर्स जो पब्लिक है उनको इश्यू की जाती है। अब मेंबर्स कौन होते हैं, अब देखो सर समझना बात को। सर आपका जो जो आपका ब्रोकर है वो एक आपका ट्रेडिंग मेंबर है। तो आप क्या करते हो, अपने ब्रोकर के थ्रू मार्केट से किसी शेयर को परचेज करते हो, है ना, और आप ब्रोकर के थ्रू बेचते हो। इसका कहने का मतलब ये कि आप किसी पार्टी को डायरेक्ट नहीं बेचते सामान, ना आप किसी पार्टी से डायरेक्ट सामान लेते। आप क्या करते हो, आप ब्रोकर को देते हो, आप मतलब ब्रोकर से खरीद रहे हो और आप ब्रोकर को बेच रहे हो। ब्रोकर क्या है, उसको आगे दे रहा है और आगे उनसे ले रहा है, और इनके बीच में दोनों से ट्रांजेक्शन की कॉस्ट ले रहा है। मैं जिससे बाय कर रहा है उससे भी, और जिससे सेल कर रहा है उससे भी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट वो बीच में ले रहा होता है। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या है, ये क्या है, मेंबर्स हैं। अब देखो सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाता है टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक, और कोई भी जो एलिजिबल है इन्वेस्ट करने के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है इस इश्यू के अंदर। ठीक है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। सब क्या होता है कि जब आपको एक ट्रेडिंग का आपका अकाउंट खुलता है, तो बेसिकली आप भी अपने ब्रोकर के थ्रू एनएससी के ऊपर या बीएससी के ऊपर जाकर आप भी एक छोटे से मेंबर बन जाते हो, और आपका भी एक क्लाइंट कोड जनरेट हो जाता है, और सिक्योरिटीज आपके इस क्लाइंट कोड के साथ अटैच होती हैं, बाय में भी और सेल में भी। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो जब कभी भी आप किसी फ्रेश इशू को जाकर सब्सक्राइब करोगे तो वो जो भी फ्रेश इशू में जो भी शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब उस क्लाइंट कोड के अंडर आ जाएंगे जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है। क्योंकि आप जब भी कभी उसको बेचने जाओगे तो क्या बिना क्लाइंट कोड के बेच सकते हो? नहीं नहीं भाई, आप जब भी कभी उन्हें बेचोगे तो किसी क्लाइंट कोड के थ्रू बेचोगे। क्या ये शेयर हमेशा आपके अकाउंट में रहते हो? आप कहोगे देखो मेरे पास में उसके कागज तो रहते हैं, पर ये जो शेयर्स हैं ये हमेशा कस्टोडियन के पास रहते हैं। ओके मतलब ये ना आपके पास रहते हैं ना ब्रोकर के पास रहते हैं, कस्टोडियन के पास शाम को चले जाते हैं और अगले दिन सुबह ले लिए जाते हैं वापस बेचने के लिए। ओके तो यही वो वजह होती है कि जब भी कभी आपने अपने शेयर्स को बेचना होता है, डिलीवरी वाले शेयर्स को, तो ओके आपको अपने सबसे पहले कस्टोडी अपने वो मतलब जो भी कस्टोडियन से आपने उनको लेना होता है, फिर आपने उनको बेचना होता है, और 2 दिन के बाद जाकर आपके उसमें आपके अकाउंट में वो डेबिट या क्रेडिट होते हैं, है ना। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो अब हमसे कहते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ क्या है। ठीक है, अब देखो अब इसका सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक को की जाने वाली ऑफरिंग, ये तो मतलब हुआ। ठीक ओके है, तो हमसे कहते हैं एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब आईपीओ, ये सबसे पहली सेल होगी किसी कॉर्पोरेट के कॉमन शेयर्स की इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब अब देखो पब्लिक का मतलब होता है लार्ज इन्वेस्टर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को पब्लिक को अगर आपने बेचना है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को आपने बेचना है। भाई अगर आप किसी शेयर को पब्लिक को बेचोगे तो इसका मतलब है कि पब्लिक के अंदर आप पब्लिक में किसको बेच रहे हो, इन्वेस्टर को बेच रहे हो। और पब्लिक ऑफर का मतलब है कि पब्लिक के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आप बेच रहे हो। मतलब आप एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में शेयर्स को अपने बेच के चलते हो, मतलब आईपीओ में बेच के चलते हो। सबसे पहली सेल, इनिशियल का मतलब हो गया पहली सेल, है ना, तो सबसे पहली सेल करके चलते हो किसी कॉर्पोरेट के कॉमन शेयर्स को बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में, है ना। अच्छा, अब इसका मेन पर्पस क्या होगा भाई? देखो पर्पस तो एक ही है कि भाई हम लोगों को कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के पार्टनर बन जाओ,
अब आप इसको ऐसे समझ के चलो, जब धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस को करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, तो उन्होंने क्या कहा कि हम पैसा लेने के लिए पब्लिक के पास जाएंगे। तो उन्होंने क्या देखा, आप देखो उनकी मसालों की जो फर्म थी, उन्होंने ये सोचा कि आने वाले वक्त में उनको टेक्सटाइल के अंदर उतरना है, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। उनके पास आइडिया था कि शेल जैसी कंपनी मैंने डेवलप करनी है ना। तो उस कंडीशन में मसालों का फर्म थी और उनको शेल जैसी कंपनी को डेवलप करना था। उन्होंने कहा कि आप पैसा कहाँ से आएगा, तो कहते हैं कि पैसा लाने के लिए हम कहाँ पर जाएंगे, आप कैसे पब्लिक के पास जाएंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आप पब्लिक के पास चले गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेबी डिसाइड करके चलता है, और इसकी रेगुलेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जनरली क्या देखा जाता है आपके पास में, कि भाई कुछ नेट टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की नेटवर्थ क्या है ना, क्लियर। अच्छा अब सर देखो, जैसे ही आपके पास में, आप बात समझिएगा, बात को बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा सर, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ किसी कंपनी ने निकालना है, तो उसका डिसीजन कंपनी आज लेगी, लेकिन आने वाले वक्त में काफी वक्त के बाद जाकर आईपीओ आ पाएगा। क्यों? जब तक अच्छा आपके पास में सेबी से क्लियरेंस नहीं मिल जाएगी, तब तक आपके इसमें आईपीओ नहीं आ सकता है ना। ओके अब सर पूरी बात ध्यान समझना सर, आप आई अब सेबी को इतना वक्त क्यों लगता है आपको क्लियरेंसेस देने के लिए? देखो सर समझो सर, लॉजिक क्या कहता है आपके पास में, कि जब आपके पास में मतलब इसे ऐसा समझ के, जब आप किसी पब्लिक ऑफरिंग में जाते हो, तो आप पब्लिक से की बहुत बड़ी पार्टनरशिप लेकर चल रहे हो कंपनी के ओके अंदर। तो उस कंडीशन में अब आप ये बताओ कि सपोज करो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, आप सपोज करो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक कॉफी शॉप खोली, ठीक ओके है। अब आप उस कॉफी शॉप के अंदर, अब आप क्या कहते हो, लस्सी रख के बेचना चाहते हो, और मैंने उसके अंदर ओके 50 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो क्या उस डिसीजन को लेने से पहले आप मुझसे पूछोगे नहीं पूछोगे? मुझे बताओगे तो वही, कम से कम इन्फॉर्म तो हाँ करोगे कि इन्फॉर्म तो आपकी क्या सेल करेंगे। होती है, या आपने कंपनी में किसी को नया पार्टनर बनाया, या आप कंपनी में अपने क्यों डिसीजन में कोई चेंज कर रहे हो। तो जब भी कभी आप कोई चेंजेस करके चलोगे अपने डिसीजंस के अंदर, तो मुझे इन्फॉर्म करोगे नहीं करोगे? हाँ अनाउंस करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अगर एक छोटा सा भी चेंज करने हो या करने वाले हो, ओके तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है एक्सचेंज को। और एक्सचेंज के पास में अगर कभी कोई बोर्ड की मीटिंग होगी, बोर्ड की मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या रिजोल्यूशन निकल कर आया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी होती है पब्लिक के साथ में। क्यों? क्योंकि पब्लिक इसमें आपकी पार्टनर है। जब आप इतने बड़े मतलब लेवल डायरेक्ट पर किसी को अपना एक्सचेंज। पार्टनर बनाओगे, तो क्या आपकी पूरी छानबीन नहीं की जाएगी? हाँ हाँ सर वो समझ गया, पर हाँ एक्सचेंज को करके मतलब एक्सचेंज को पहले करना पड़ता है क्या, मतलब हाँ बिल्कुल वो। सर, एक्सचेंज पे आपकी सारी ओके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पे अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि सर देखो, पब्लिक किसको जानती है भाई? आप एक्सचेंज क्या है सर? एक्सचेंज आपके पास में, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई भी ओके कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है, उनके टर्म्स पर होता है, पर ओके हाँ तीसरा, बीच में समझिए। तीसरा कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ना जिसकी बात को आप दोनों मानते हो, है ना। वरना भाई हाँ आप अगर मुकर गए, कोई और मुकर गया, तो फिर दोनों में से किसी एक का भी नुकसान है। तो मतलब कोई भी एक काउंटर पार्टी अगर आपके हाँ पास में फोरफिट कर जाती है, तो नुकसान तो दोनों का ही हो गया ना। मतलब किसी एक का भी नुकसान हो गया, हाँ चलो तो क्या होगा, आने वाले वक्त में इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कभी ऑनर ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, वो कौन करा रहा है? आपको एक्सचेंज करा रहा है। तो ओके आपको आने वाले वक्त में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। तो सेबी की जो रेगुलेशंस हैं, ये यस टाइमलाइन के साथ में मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहती हैं, और इनको मतलब लिस्टिंग से पहले मैंडेटरी होता है कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए। क्लियर है? क्लियर ओके है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज पर अब आपकी जो ऑफरिंग्स है डीमेटेलाइज फॉर्म में आपके पास में जाकर शेयर्स जाएंगे। मतलब डीमेटेलाइज फॉर्म क्या होगा, मतलब अब आपके डीमेट फॉर्म में जाकर शेयर चले जाएंगे। क्योंकि पहले जो शेयर्स ओके थे वो डीमेट फॉर्म में तो नहीं थे भाई। पहले जो हाँ शेयर्स थे वो आपके पास, शेयर आप कंपनी के मालिक हो, आपने लाख शेयर निकाल रखे हैं, और हर शेयर की वैल्यू आपने 10 रुपए रखी हुई है, तो कितने हो गए, 10 लाख रुपए वैल्यू हो गई। अब आप आने वाले वक्त में 10 रुपए की फेस वैल्यू 10 लाख की शेयर है आपका, लेकिन अब आपने जब किसी कंपनी को 10 लाख से स्टार्ट किया, ओके 5 साल में आपकी इस कंपनी ने प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आप इस काम को 5 साल तक डेवलप करने के बाद इस बिजनेस को 10 लाख में बेच दोगे? नहीं नहीं। बेचोगे आप? एक सेकंड रुको, हाँ हाँ तो आप इसको बेचोगे तो नहीं ना। नहीं
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप इसको थोड़ा महंगा बेचना चाहोगे। अब आपने 1 लाख शेयर 10 रुपए का ईच था आपके पास में फेस वैल्यू जब आपने स्टार्ट किया। अब आप इस शेयर को आने वाले वक्त में अपने इस बिजनेस को 10 लाख की जगह सपोज करो 50 लाख में बेचना चाहते हो। फिर कोई बंदा आया और आपसे कहते हैं कि बता भाई तेरा होटल कितने का, तेरी कंपनी कितने की, मैं पूरी खरीद रहा हूँ। तो अब आप उसे 10 लाख की जगह कितने में बेचना चाहते हो सपोज करो 50 लाख में। इसके सॉल्यूशन आपको शाम को मिल जाएंगे, चेक करो पूरे। सर एक मिनट रुको, आप वेडनेसडे तक काम पूरा कर दीजिए। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अपने बाकी टीम को। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो सर, समझो सर, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कभी मैं आपको कैसे समझा रहा था, हाँ, तो 10 लाख का वो बिजनेस अगर आपसे कहते हो कि मैंने इस बिजनेस को पूरा का पूरा सेल करना है ना, तो जब आप इस पूरे बिजनेस को किसी को बेचना चाहोगे तो 50 लाख में अगर आप बेचना चाहोगे तो बेसिकली हर शेयर की कॉस्ट 50 रुपए हो गई। तो बेसिकली क्या है, वो जो 40 रुपीज आप लेके चल रहे हो एक्स्ट्रा प्रीमियम इसके ऊपर लेके चल रहे हो और आप इसकी 50 रुपए मार्केट वैल्यू बन गई और आपसे इस बिजनेस को कोई भी खरीद सकता है। मदद तो ये है ना। तो अब देखो चीज क्या निकल के आती है सर, सर सेबी ने कुछ अपनी गाइडलाइंस बनाई क्या कि जब भी कभी कोई इशू आप रेस कर, मतलब कोई 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 ऐसा इशू अगर आप लेकर आओगे तो 35% आपके जो शेयर हैं। सर देखिए ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके ठीक है, तो मैं इनको पॉइंट बाय पॉइंट एक ही चीज आपको समझा कर चलूंगा, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखो सर जब भी कभी कोई इशू आएगा तो सेबी की गाइडलाइन से, देखो तो लिखा हुआ है सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जब भी कभी कोई एलिजिबल इशू आएगा मतलब कोई आईपीओ आएगा तो कम से कम 35% जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किया जाएगा रिटेल इन्वेस्टर को। अब बारी आती है कि रिटेल इन्वेस्टर कौन होता है, तो ये क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो आप यहाँ बता के चलोगे कि रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर कर चलते हैं या तो कम या बराबर 2 लाख रुपए की किसी भी इशू के अंदर। ओके मतलब वो मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाख रुपए की, मतलब तो ये निकला भाई। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए। किसी इशू के अंदर कोई इन्वेस्टर 2 लाख से या 2 लाख से कम की अगर इन्वेस्टमेंट कर कर चल रहा है तो वो कौन होगा, रिटेल इन्वेस्टर होगा। और रिटेल इन्वेस्टर के पास 35% ऑफ द शेयर जाने चाहिए, एटलीस्ट 35% का मतलब है कि 35% से ज्यादा आप बेच सकते हो लेकिन 35% से कम पार्टनरशिप में आप इसको नहीं बेचोगे। आप ऐसे तो कोई भी शेयर, ऐसे तो बहुत सारे शेयर नहीं है वैसे देखे जाए तो। सर ऐसे कौन से नहीं है सर रिटेल पार्टनरशिप में? सर रिटेल में मतलब हर शेयर 75% प्रोमोटर के पास ही है, नहीं जितना 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 मुझे पता मैक्सिमम ऑफ द शेयर, देखो मैक्सिमम नहीं एटलीस्ट जो 7000 शेयर है उसमें से 2000 शेयर तो ऐसा है जो 75% पर प्रमोटर के पास है। सर अब आप ना, अब ये बात आपने बहुत बढ़िया उठाई, मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। सर okay. आपने 1 लाख शेयर अपने निकाले थे, हाँ। क्या आपके वो 1 लाख के 1 लाख शेयर आपने ऑफरिंग में डाल दिए अपनी कंपनी के? भाई आपकी कंपनी के 1 लाख शेयर थे, ओके okay. क्या आप अपने पूरे 1 लाख के 1 लाख शेयर मार्केट में जाकर बेच दोगे? सर मतलब ये बात समझ गया, मतलब पूरा कंपनी लिक्विफाई करना, मतलब ऐसा शेयर्स देना होता है, ऐसा एक पोर्शन को वो करते हैं क्या? मैंने आपसे क्या कहा, आप एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आए हो, मतलब आईपीओ लेकर आए हो, हाँ। अब इस आईपीओ के अंदर आप क्या करोगे, आप शेयर्स बेचोगे। ये शेयर्स दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है ये फ्रेश शेयर इशू करें हो अपने, हाँ। और ये भी हो सकता है कि आपके ऑफर फॉर सेल हो, मतलब आपके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर है जिन्हें आप बेचना चाहते हो किसी ऑफर के थ्रू। अब ये कितने शेयर आप बेचना चाहते हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 50,000 शेयर में बेचना चाहता हूँ, ओके। तो इन 50,000 शेयर का 35% ऑफ पोर्शन कौन लेके चलेगा? रिटेल इन्वेस्टर्स है ना। अब वो 1 लाख का 35% तो लेके नहीं चल रहा ना, ओके। मैं मेरे पास 1 लाख शेयर है पर मैं 50,000 शेयर ही देना चाहता हूँ, आप ऐसा बता रहे 50, जो मैं ऑफर लेकर आया हूँ इस okay. ऑफर। देखो सर कोई भी कंपनी अगर कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आएगी, देखो सर मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, जितनी मुझे समझ है और जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग okay. मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है okay. तो देखो सर, तो कोई भी कंपनी अगर अपना कोई फ्रेश इशू लेकर आएगी उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टर से पैसा लेकर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, ओके okay. है ना। तो क्या है कि वो फ्रेश इशू के जरिए कैपिटल रेस करना चाहती है,
हो सकता है अपने ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचकर कोई कैपिटल रेस करना चाहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने 10 लाख रुपए की कैपिटल से अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप आने वाले वक्त में इस बिजनेस को 10 लाख रुपए में ही बेच दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे आप। तो उस समय पर 1 लाख शेयर की जो कीमत थी 10 रुपए ईच थी, तो 10 लाख रुपए की कंपनी थी आपकी। आज आप उसको 50 लाख की कंपनी मान के चल रहे हो, मतलब उसकी जो वैल्यूएशन निकल कर आई वो 50 लाख रुपीज निकल कर आई है। हर शेयर आपका 50 रुपए का बिक रहा है, मार्केट वैल्यू है। ठीक है, अब आपने ये सोचा कि उन 1 लाख में से 50,000 शेयर को हम क्या करते हैं, पब्लिक ऑफरिंग में जाकर बेच देते हैं, आईपीओ निकालते हैं। तो इस आईपीओ का 35% पोर्शन पब्लिक लेके चलेगी, रिटेल इन्वेस्टर लेके चलेगा। वो 50,000 में से 35% पब्लिक ले लेगा। जी जी जी, है ना। अच्छा, मतलब मैंडेटरी नहीं है 100% को ही पब्लिक ऑफरिंग में डालना। सारे शेयर सेल पे क्यों लगाओगे आप, है ना। ओके, समझ गया समझ गया। तो देखो, हमसे कहते हैं इन एन एलिजिबल इशू एटलीस्ट 35% ऑफ द शेयर शुड बी एलोकेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर कौन होगा? रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होगा जो 2 लाख या 2 लाख से कम रुपया लगाकर चलेगा। अब सर देखो, उससे क्या होगा कि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए की कैपिटल लेकर लाने वाले इन्वेस्टर चाहिए आपको। हाँ। है ना, रिटेल इन्वेस्टर कितने होंगे? 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले, मैक्सिमम 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले, है ना। अब सर सोच के चलो, 200 रुपए का अगर एक शेयर होगा तो 1,000 शेयर ही तो हो गए। अगर एक शेयर 200 रुपए का, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ 200 रुपए का शेयर मान के चल रहा हूँ, तो ये शेयर अगर 200 रुपए का होगा तो 1,000 शेयर हो गए, और अगर 400 रुपए का शेयर होगा तो 500 शेयर हो गए। तो 500 शेयर तो ऐसे किसी ने ले लिए, है ना। आपसे देखो ना, अब 2-2 लाख, अब आप क्या कर सकते हो, रिटेल इन्वेस्टर वो होगा जो 2 लाख से ज्यादा नहीं लगा सकता। तो ऐसे आपको बहुत सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे 35% पोर्शन कवर करने के लिए। तो उससे रहेगा कि जो डिसीजन है आपके पास में ना, कभी वो स्टॉक कभी मैनिपुलेट नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अंदर वो सारे शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, इसलिए लिमिटेशन है, डिवाइड हो गए, है ना। ओके, कि उनको ना मैनिपुलेट ना कि। अब सर खुद सोच के चलो, अगर आपके पास में सपोज करो, जैसे पीछे आपने देखा था कि ना नींबू महंगे हो गए थे। अब क्या हुआ सर, लोगों से अगर आप पूछो भाई नींबू इतने महंगे कैसे हो गए, तो उसका रीजन उन्होंने बताया कि यार पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है। अब सप्लाई क्यों नहीं आ रही है आपके, इसमें कोई भी रीजन ना होगा। तो सर आप ये समझो कि अगर आपके पास में सप्लाई लिमिटेड हो जाए किसी भी चीज की, तो डिमांड आपके पास में अगर उसकी बने तो प्राइस बढ़ जाता है। है ना। तो क्या होता है कि प्रमोटर ने क्या करा, आपने देखो कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनके अंदर सर्किट लगते हैं। अपर सर्किट लगते हैं, मतलब कहने के डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लायर कोई है ही नहीं, जिसने खरीद रखा है वो उसको बेच ही नहीं रहा। है ना। अब पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि एक ना एक आपके पास में एक अमेरिका के अंदर एक स्टॉक था जिसको मतलब ना वो बोलते थे आपका मतलब रॉबिन हुड ट्रेडर्स बोलते थे, उसको सारा रिटेल ट्रेडर्स ने इतना उठा लिया वो बेच ही नहीं रहे थे। मतलब एक सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए उन लोगों ने एक स्टॉक को इतना मैनिपुलेट करा कि मतलब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसके अंदर उस स्टॉक को इतना उठा लिया कि वो बेच ही नहीं रहे थे, और वो स्टॉक बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। गेम ओवर के नाम से उसका कुछ था स्टॉक का नाम, नास्डेक के ऊपर। तो बेसिकली क्या है कि ना कोई मैनिपुलेट ना कर सके सप्लाई को। ठीक है। तो क्या होगा, 35% ऑफ द शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर को दिए जाएंगे। अच्छा, और मैक्सिमम 50% विद एटमोस्ट, देखो सर 35% एटलीस्ट है, मतलब 35% से ज्यादा भी रिटेल इन्वेस्टर को दिए जा सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा पार्टनरशिप रिटेल इन्वेस्टर की किसी आईपीओ के अंदर होगी, कंपनी के लिए उतना ज्यादा स्टेबल है कि कोई इसके स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्या है, मैक्सिमम 50% आप अलॉट कर सकते हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, मैक्सिमम। मतलब क्यूआईपी के जरिए, आप कहते ना कि क्यूआईपी के जरिए आपके पास में कंपनी इतना फंड जुटाना चाहती है, तो क्यूआईपी में अगर वो कभी भी आपके पास में कोई स्टॉक्स लेकर आएगी, कोई इशू लेकर आएगी, तो उस इशू का मैक्सिमम 50% वो दे सकती है किसको, क्यूआईपी के जरिए मैक्सिमम। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 50% तो क्यूआईपी के जरिए दे सकती है मैक्सिमम। और वो जो 50% है, उस 50% में से कम 35% तो जाना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। मतलब रिटेल इन्वेस्टर 35% से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। जी, QIP 50% से कम कितना भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती, 50% से कम कितना भी हो सकती है। ओके,
आप बात समझ सो रहे हो? इसलिए कोई कोई शेयर ऐसे फेल हो जाता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बिकता नहीं है। हाँ जी सर, है ना। ओके समझिए अच्छा अब देखो अगली चीज आती है जी सर, समझिए समझिए समझिए। हाँ वेरी गुड सर। अब सर देखो, अब आपके इसमें आती है एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं। अब सर देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एंकर इन्वेस्टर कोई एक बड़ा इन्वेस्टर होगा। ओके बारी आती है एंकर इन्वेस्टर कौन है। तो देखो एंकर इन्वेस्टर का मतलब है कि एक मींस एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। जैसे क्या होता है कि आपके पास में है कि मान लो कोई आपके पास में कोई बैंक है, सिंगापुर की कोई बैंक है, और उसने क्या था कोटक महिंद्रा बैंक में या इंडसइंड बैंक के अंदर पार्टनरशिप, मतलब कोई बड़ा शेयर की बड़ी शेयर उठाने थे एक साथ। ओके तो बेसिकली क्या है कि वो भी क्या कर रही है कि वही भी कर रही है, अच्छा ठीक है। अब पूरी बात समझे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आया आपके, इसमें सेबी ने इंट्रोड्यूस कराया 2009 में एंकर इन्वेस्टर। अब एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो देखो जी एंकर इन्वेस्टर का मतलब है एक ऐसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, मतलब कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक है ना, कि एक कोई बड़ा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो एक एप्लीकेशन लगाएगा जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा की होगी किसी पब्लिक इशू में, ओके ठीक है, थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो उसको एंकर इन्वेस्टर बोलते हैं, और एंकर इन्वेस्टर को 60% ऑफ द पोर्शन प्लॉट बेचा जा सकता है। ओके बात समझे। तो हमने क्या सीखा, QIP के जरिए मैक्सिमम 50% तक आप बेच सकते हो, पहली बात। ओके तो उसमें कौन आएंगे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आएंगे, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और ये सारे इन्वेस्टर्स मिलकर 50% शेयर उठा सकते हैं, ओके ठीक है। अब एंकर इन्वेस्टर एक ऐसा इन्वेस्टर होगा जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहलाएगा, और एक ऐसी एप्लीकेशन लगाएगा जिसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा होगी, ओके ठीक है, थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। और ये एंकर इन्वेस्टर को मैक्सिमम 60% तक का पोर्शन QIBs के जरिए, देखिए कौन सी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ओके इधर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP, और ये क्या है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB, है ना, ठीक है। तो ये QIB के जरिए 60% ऑफ द पोर्शन आप बेच सकते हो। सर देखो ओके ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना सही है, एग्जाम के अंदर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे आपका कौन सा दिमाग में इतना क्लियर हो कि आपको ये सारी चीजों का आप आंसर कर सकते हो, मेरे को जितनी नॉलेज है। अब सर देखो मैं ट्रेडिंग में तो इसका इस्तेमाल करता नहीं कहीं पर, तो हाँ मुझे भी जितनी नॉलेज है इस बुक को पढ़ने की वजह से ही आई है ओके ना। तो जितनी मेरे को नॉलेज है वो मैं आपको सारी एज इट इज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बुक को सिखाने के लिए, क्लियर सर। तो ओके मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, है ना। नहीं, आपने वो सही समझाया था। वो मतलब मैं नहीं समझा था वो सही से, वो नहीं ठीक नहीं से मैंने मैं नहीं आपकी समझा बात समझ गया, मैं आपको वही नहीं कह रहा। सर देखो हम और आप तो एक डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो इसमें था। मैं हाँ ये इस चीज चांस को हमेशा लेकर चलता हूँ कि मेरे से गलती हो सकती है समझने में ना, ओके लेकिन ओके बुक के वर्ड्स तो एज इट इज रहेंगे, एग्जाम में तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर करना है ना, हाँ ठीक है। अच्छा चलिए सर, सर नेक्स्ट निकल के आती है हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका पक्का। अब सर देखो अगली चीज हमारे पास आती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, क्या होता है। सर समझ के चलना, सर आपने एक फ्रेश इशू निकाला ओके एक ऐसी कंपनी का जो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी एक इशू निकाल चुकी है भाई। ओके आपने देखो समझो, आपने आज कोई कंपनी मार्केट ओके के अंदर लिस्टेड है, इसका मतलब पहले कभी इशू निकाल चुकी है तभी तो लिस्टेड है भाई। हाँ कोई भी कंपनी लिस्टेड होने का मतलब क्या है कि उसके स्टॉक्स मार्केट में है जो ट्रेड हो रहे हैं, ओके और अगर आपके पास में ये कंपनी दोबारा से कोई इशू लेकर आती है तो वो क्या ओके कहलाएगा, फ्रेश इशू कहलाएगा आपके पास में सिक्योरिटीज का, और उसको फर्दर पब्लिक ऑफर बोलते हैं ओके या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ओके तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। हाँ तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर का मतलब है कि पीछे एक ऑफर आया था उसी ऑफर को फॉलो करते हुए एक और बोलो ऑफर निकाला गया है। ओके तो पहला था इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, ये फॉलो अप अब है ओके फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब FPO, ओके ठीक है। आपसे देखो इसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझाऊंगा आपको। देखिएगा हमसे कहते हैं जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी एक फ्रेश इशू लेकर आती है, मतलब एक कंपनी जो पहले से लिस्टेड है और वो एक और इशू लेकर आती है आगे पब्लिक के लिए, या अपने और शेयर्स को बेचती है, अब ये फ्रेश भी हो सकता है, और उसके पास जो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है कि उसके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है जिन्हें वो बेचना चाहती है कुछ, है ना, जो कंपनी के पास एक्सटिंग शेयर्स है उनमें से कुछ और शेयर्स वो बेचना चाहती है, तो इसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, FPO बोलेंगे, है ना।
अच्छा, व्हेन ए कंपनी वांट्स एडिशनल कैपिटल फॉर द ग्रोथ और डिजायर टू रीडू इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बाय रिटायरिंग डेब्ट। रिटायरिंग डेब्ट का मतलब क्या होगा? मतलब वो अपने कर्जे खत्म करना चाहती है, उधार खत्म करना चाहती है। okay. तो देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास पैसा लेने के दो तरीके हैं। या तो वो डेब्ट लेके चलेगी और ब्याज देके चलेगी, या वो पार्टनरशिप बेचेगी, मतलब ऑफर लेकर आएगी और पार्टनर बनाएगी और पार्टनरशिप बेच के चलेगी, है ना। ओके अच्छा, तो वो रेस करती है इक्विटी कैपिटल एक फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल से, जिसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आपके पास में, इसको ऑफर फॉर सेल भी बोल सकते हैं। ऑफर फॉर सेल का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स उसके पास में है वो उनको बेचती है। अब सर दोनों में क्या फर्क है? अगर आप फ्रेश इशू को बेचोगे, फ्रेश इशू निकालोगे, मतलब फ्रेश शेयर्स निकालोगे, या ऑफर फॉर सेल निकालोगे, इन दोनों में क्या फर्क है ना? तो समझो सर, देखो जब कभी आप फ्रेश इशू निकालते हो तो क्या होता है कि कंपनी के अंदर आप नए पार्टनर लेकर आ रहे हो। कंपनी तो वही है, नए पार्टनर आने का मतलब है कि प्रॉफिट नए लोगों को भी मिलेगा। तो कंपनी के अंदर प्रॉफिट क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? वही पैसा पहले जो चार लोगों में बढ़ता था, दो नए पार्टनर आने की वजह से छह में बढ़ेगा, है ना। आपने कहा अभी पैसा छह लोगों में बढ़ा करेगा, ये कुछ पैसे लेकर आए हैं, इस पैसे को हम बिजनेस में लगा कर चलेंगे, अब जो पैसा बढ़ा करेगा वो छह लोगों में प्रॉफिट जाएगा। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट गेन नहीं करेगी, या अभी जो उसका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो चार में बढ़ेगा, छह में बढ़ेगा, छह में बढ़ेगा सर। लेकिन यही, अच्छा छह में बढ़े, अभी इसका मतलब न्यू शेयर्स और पैदा करेंगे या अपने हाथ में जो शेयर्स है उसको बेचेंगे? अब दोनों का मतलब समझा रहा था ना मैं आपको। तो देखो सर, जब कभी भी आप फ्रेश इशू लेकर आते हो, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ पैसा और उठाना है और आपने उसके लिए कुछ नए शेयर निकाल दिए। पहले आपके 1 लाख शेयर थे और जो प्रॉफिट था वो 1 लाख शेयर में बढ़ जाता था। अब आपने कहा भैया ये 1 लाख शेयर तो हम छेड़ेंगे नहीं, अब 1 लाख नए शेयर लेकर और आ रहे हैं। और इसके जरिए हम पैसा जुटाएंगे। तो लोग आएंगे, उन शेयर्स को खरीदेंगे और पैसे आपको देंगे, तो उस पैसे को आप अपनी कंपनी में लगाओगे और हो सकता है कंपनी आने वाले वक्त में और बड़ा प्रॉफिट जनरेट करे। तो हो सकता है करे और हो सकता है ना करे। पर वो जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अब उसके जो शेयर होल्डर्स है वो 1 लाख की जगह 2 लाख नहीं हो गए? तो बेसिकली है कि जब कभी आप न्यू शेयर्स इशू करते हो तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन यही आप इस 1 लाख में से कहते कि भैया हमारे पास जो 1 लाख शेयर है उनमें से हम 20,000 शेयर अपने बेच रहे हैं। तो क्या वो प्रॉफिट जो है 80,000 में बचेगा, बढ़ेगा, 1 लाख में बढ़ेगा? अभी भी 1 लाख में बढ़ेगा। बस क्या है कि वो जो 20,000 लोग हैं वो नए बन चुके होंगे, 20,000 शेयर नए लोगों के पास चले गए होंगे, है ना। तो कंपनी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं कंपनी की कैपिटल पे ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कंपनी के वो जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट हो गया। आप बात समझे मेरी है? कंपनी के अंदर आपने पांच लोगों ने मिलकर 1 लाख शेयर की एक कंपनी बना दी। और सपोज करो उसके अंदर आपकी हिस्सेदारी 10,000 शेयर की थी। अब आपने कोई ऐसा ऑफर लेकर आया जिसके अंदर आप अपने ये 10,000 शेयर आप किसी को बेच रहे हो। तो आप अपने 10,000 शेयर जितने मर्जी के बेचो, उसका बाकी के 90 लोगों से कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन वैल्यूएशन कम हो जाएगा ना, वैल्यूएशन कम हो जाएगा ना। कैसे कम हो जाएगा सर? पार्टनर बदलेंगे ना सर। आप एक बात समझो, पांच लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब एक पार्टनर कहता है कि भैया मेरे को तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोई दूसरा ही व्यापार करना है, मैं स्टार्ट करूंगा आपके पास में एक फैब्रिक की फर्म स्टार्ट करूंगा। आप कहते हो ठीक है जाओ। उसने कहा मेरी जगह मेरे भैया है, हमारा काम संभालेंगे। तो उसने अपनी पार्टनरशिप अपने भाई को बेच दी। तो कंपनी के अंदर पहले भी पांच लोग थे, अभी भी पांच ही लोग हैं। तो वो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं अभी पांच लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, 20,000 शेयर पांच लोगों ने ले लिए। अब आप ये समझ लो पांच लोगों का नाम है ABCDE। अब ई के दिमाग में आया कि भैया ये बिजनेस तो और ज्यादा ग्रो कर नहीं रहा, हम इस बिजनेस में अपना वक्त नहीं लगाएंगे। हम इस बिजनेस से अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं। और ई ने अपने शेयर एफ को बेच दिए। एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही बेच दिया। अपने जो उसके बाद 20,000 शेयर थे उसने एफ को बेच दिए। अब कंपनी के अंदर पार्टनर है ABCDE और एफ आ गया। भाई ई हट गया, एफ आ गया। पहले भी पांच थे, अभी भी पांच है। शेयर पहले भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, अभी भी 1 लाख है।
पहले भी प्रॉफिट आपके इसमें 5 लोगों में बढ़ रहा था, अभी भी प्रॉफिट 5 लोगों में बढ़ रहा है। हाँ तो ये क्या ऑफर फॉर सेल है। ये वैल्यूएशन ऐसे ही रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा ऐसा। हाँ, ओके। अब क्या हुआ, ए बी सी डी ई ये 5 लोग थे कंपनी के अंदर, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड करा यार कंपनी को आगे चलाने के लिए हमें कुछ और पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक काम करते हैं यार, एक 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 बंदा काफी टाइम से कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी में पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, उससे कुछ पैसे ले लेते हैं और कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी को बड़ा करते हैं, कंपनी में पैसा लेकर आते हैं। तो आप गए चाइना से किसी इन्वेस्टर को ढूंढ के लेकर आ गए, चाइना के इन्वेस्टर ने आकर देखा, कहता है कि ठीक है भैया हमें कंपनी में पार्टनरशिप दे दो। आपने कहा जी 1 लाख शेयर हम आपको पकड़ा देते हैं, 1 लाख शेयर आपके हो गए। अब सर इस एक ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये जो 1 लाख शेयर आपने दिए, आपने इस चाइनीज इन्वेस्टर को, और इससे पैसा लेकर आए कंपनी के लिए, क्या ये पैसा शेयर होल्डर में बटेगा? नहीं बटेगा, ये तो ये तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट आया बिजनेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो भी उस बिजनेस का पार्टनर है और वो पैसा जो लाया ला रहा है वो, उसमें उसका भी हक है, हाँ कंपनी तो पैसा किसी के पास बटेगा नहीं, कंपनी में लगेगा ये पैसा, में इन्वेस्टमेंट। हाँ ठीक है। अब सुनो सर, अब आपके पास में क्या हुआ, 5 आप लोग थे जिन पर मिलाकर 1 लाख शेयर थे, हाँ और 1 लाख नए शेयर जो आपने निकाले वो किसको दे दिए आपने, उस चाइनीज पार्टनर को दे दिए। सर अब आपको क्या लगता है कि उसकी शेयर होल्डिंग कितने परसेंट हो गई? 50 मतलब जो शाबाश, इनके 50% हो गई। 50 वो अपना पैसा लेकर आएगा और प्रॉफिट का कितने परसेंट लेकर जाएगा, 50% लेकर चला जाएगा। परसेंट अब आपकी 50% की पार्टनरशिप कितने लोगों के पास है, 5 लोगों के पास, जाएगा। मतलब उस 50% में आप 5 लोग और वो 50% में अकेला है, अकेला। तो वो जो 50% पार्टनरशिप आप लोगों के पास है, अब आपके हर एक हिस्से में 10% की पार्टनरशिप हुई, हाँ तो आपका जो शेयर है पहले था 20% का, वो गया 10% का, तो डाइल्यूट हुआ या बढ़ा? तो डाइल्यूट हो गया। ये डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? तो यहां पर क्या होता है, डाइल्यूट होता है, जब कभी भी आप नए शेयर्स इशू करते हो तो क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब जो शेयर्स है, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। लेकिन वैल्यू मतलब जितना पैसा फिक्स करेंगे उसके हिसाब से कम भी हो जाएगा, ज्यादा भी हो जाएगा। कम बिल्कुल सर, पैसे में बेचा तो कम भी हो जाएगा ना। हाँ जी बिल्कुल सर, यहाँ तक ओके का ओके कॉन्सेप्ट ओके समझ मैं में आ बस गया सर आपको, यही मुझे डाउट था। ओके हाँ ठीक है। समझ अच्छा, आएगा। और अगर यही आपके पास में 5 लोग आप मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर ना उसको, ठीक है, हम उससे पैसा लेकर आते हैं और हम सब लोग मिलकर उसको अपना 5-5% शेयर दे देते हैं, ओके तो आप 5-5% शेयर देते हैं, मतलब 25,000 शेयर निकाल देते हैं आप, भाई 5-5% शेयर हाँ निकाल देते हैं आप उसमें से, आप पे 20,000 शेयर हैं आपके पास, तो 1,000-1,000 शेयर आप लोग दे देते हैं, तो उसके पास चले जाते हैं 5,000 शेयर, उसके पास चले जाते हैं, हाँ 5,000 शेयर। तो हाँ उसके पास जो 5,000 शेयर चले जाते हैं, तो वो पार्टनर कितने परसेंट का बनता? पार्टनर मतलब 195% का। बस केवल 5% के पार्टनर बनता है वो आपका, है ना, हाँ और बाकी के पार्टनर आप खुद रहते हैं, तो हाँ कंपनी उस कंडीशन में उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऑफर फॉर सेल होगी तो। ओके तो फर्क कब पड़ता है, जब कभी भी आपके पास में कोई फ्रेश इशू निकाला जाता है, तो उससे कंपनी की वैल्यू पर फर्क पड़ता है, और ये वजह होती है कि जब कभी कोई कंपनी ऐसा कोई फ्रेश इशू निकालती है तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर उसके शेयर की कीमत गिर जाती है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि प्रॉफिट कम आएगा जनरली, है ना, क्लियर है। अच्छा, अब बारी आती है निकल कर प्राइवेट प्लेसमेंट की, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, तो सर देखो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप किसी को एक शेयर, जो शेयर्स है अपने, वो प्राइवेटली प्लेस कर रहे हो, तो प्राइवेटली प्लेस करने का मतलब, प्राइवेटली प्लेस आप कब करोगे, जब आप एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स को सिलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को देकर चलोगे आप, ओके मतलब आपने बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की एक सिलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को जब बेचोगे कि हम इन्हीं 5 लोगों को बेचेंगे, तो कहलाएगी प्राइवेट प्लेसमेंट, ओके ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने आपको QIP सिखाया था और QIBB सिखाया था, अब QIP का मतलब क्या आपके पास में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है जी, अभी प्राइवेट प्लेसमेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है, अब आ गया आपके पास में। अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैंने अंडरलाइन करनी रह गई मुझसे, देखो इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर जिन्हें ये इश्यू किया जाएगा कभी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ये QIP की फॉर्म में या प्रोफेशनल अलॉटमेंट की फॉर्म में होती है, ओके
तो दोबारा मतलब समझो, प्राइवेट प्राइवेट इश्यूएंस, प्राइवेट प्लेसमेंट 50 के ऊपर नहीं हो सकता। तो देखो लिखा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट आपके पास में नंबर ऑफ, देखो प्राइवेट इन्वेस्ट, जब आप सिलेक्टेड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स को देके चलोगे तो ओके कहलाएगा आपके इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके ये 50% से ज्यादा की नहीं हो सकती, ओके ठीक है, और 50 लोगों से भी ज्यादा की नहीं हो सकती। नंबर ऑफ ओके इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें शेयर बेचे जाएंगे कभी 50 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ओके टोटल 50 होना चाहिए शेयर मैक्सिमम होल्डर्स मैक्सिमम प्राइवेट में फिफ्टी भी। ओके हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम 50, ठीक है ओके ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास में ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होती है क्यूआईपी की फॉर्म में होती है या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ओके अब हम समझ के चलेंगे कि क्यूआईपी क्या होती है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होती है, समझिएगा। तो सर चीज आती है हमारे पास में क्यूआईपी, तो सर क्यूआईपी का मतलब क्या आपके पास में? भाई क्यूआईपी का मतलब है प्राइवेट प्लेसमेंट आपके इसमें शेयर्स के, ये तो हमने पीछे ही पढ़ा था आपका, हाँ ठीक है जी। किसको दे के चल रहे हो आपके पास में? उन इन्वेस्टर्स को दे के चल रहे हो जो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे। हाँ अब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कोई बैंक भी हो सकता है, हाँ तो ये रहा बैंक आपके पास में। कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे मॉर्गन स्टैनली वगैरह कुछ हो गया, ओके ठीक है। कोई म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास में क्या होता है, बड़ा पूल होता है मनी का। कोई पेंशन फंड भी हो सकता है, जैसे कहते हैं अमेरिका वगैरह में पेंशन फंड्स होते हैं, ओके ठीक है। तो वो पेंशन फंड भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ तो ये बेसिकली क्या है, ये जो क्यूआईपी है ये प्राइवेट प्लेसमेंट होती है एक लिस्टेड मेड की, लिस्टेड कंपनी की, एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को, जिनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोलते हैं। क्वालिफाइड ओके इंस्टीट्यूशनल बायर, एक बायर अगर होगा तो वो 60% तक की होल्डिंग उठा सकता है, इसे कहा था आपको मैंने ऊपर अभी, है ना, हाँ ठीक है। अब क्यूआईपी में क्या होगा, 50% तक हो सकती है। ओके और करता कौन है, ये होंगे आपके पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं और बैंक भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा अब सेबी ने क्या कर रखा है आपके पास में, एलिजिबिलिटी बना रखी है आपके पास कि भाई कितना कैपिटल आप क्यूआईपी के जरिए उठा सकते हो, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। अब अगली चीज आती है प्रेफरेंशियल इशू। सब प्रेफरेंशियल इशू का सीधा सा मतलब क्या है, भाई प्रेफरेंशियल इशू का मतलब है कि आप प्रेफरेंस देकर चल रहे हो। अब प्रेफरेंस देने का मतलब क्या है सर, देखो प्रेफरेंस किस चीज को दी जाती है? देखो जिसको आप प्रेफरेंशियल शेयर्स दे के चलोगे तो इसके अंदर आप उसे कोई डिविडेंड देना होगा तो वो भी प्रेफरेंस दे के चलोगे, कोई बोनस देना होगा तो भी आप उसे प्रेफरेंस दे के चलोगे। तो प्रेफरेंशियल इशू का मतलब है कि आपने सिक्योरिटीज को किसी को इशू करा, सिलेक्टेड लोगों को इशू करा, प्राइवेट प्लेसमेंट के मेथड से इशू करा, ठीक है। और साथ में आपने उनको उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए। अब पूरी बात यहां समझना, तो क्या पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू, क्या ये सब भी प्रेफरेंशियल इशू कहला सकते हैं? आप कहोगे नहीं, ये प्रेफरेंशियल इशू नहीं कहलाएंगे। प्रेफरेंशियल इशू क्या कहलाएगा? प्रेफरेंशियल इशू का मतलब है कि जब सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा प्राइवेटली, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को। अब जैसे एग्जांपल समझाता हूँ सर, बर्कशायर है, बर्कशायर ने आपके पास में आ गया, बच्चा बर्कशायर मतलब जो उसकी कंपनी है, क्या कहते वॉरेन हैं, बफे वॉरेन बफे की जो कंपनी है, उसने क्या कहते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर से बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ उठा लिए, अच्छा ठीक है। जो इंडिया ढाई में हजार आठ सौ भी आठ सौ रुपए के इन्वेस्ट आसपास जब कोटक महिंद्रा बैंक था, तो उसने बहुत बड़ी आपके पास में ना बाइंग कर ली थी उसके अंदर, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, ओके ठीक है। तो आज अब इंडसइंड बैंक के अंदर आपके पास में एक बहुत बड़ी 500 रुपए के आसपास जब इंडसइंड बैंक था, तो बहुत बड़ी ओके बाइंग आई थी आपके इसमें, सिंगापुर के बैंक ने उठाया था ओके जब वो 500 रुपए के आसपास था, है ना। तो वो क्या आपके ओके पास में, अब ये लोग क्या है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ओके क्योंकि आप किसी एक ही पर्टिकुलर पर्सन को एक बड़ा शेयर आपने बेच रहे हो, पर्टिकुलर रेट पे बेच रहे हो आप, हाँ ओके ठीक है। तो आपने क्या करा, प्राइवेट प्लेसमेंट किया, ठीक। तो प्रेफरेंशियल इशू मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया आपके पास में। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है, देखो पब्लिक इशू इंक्लूड नहीं होगा, राइट इशू इंक्लूड नहीं होगा। पब्लिक इशू क्या होता है, जो पब्लिक में निकालते हो। राइट इशू क्या होता है, जिसके जरिए एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसी शेयर को परचेज कर सकता है एक प्रेस्क्राइब, एक फिक्स रेट पर। बोनस ओके इशू, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए बोनस होता है, जिसके अंदर ओके कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ बोनस देकर चलती है। हाँ एम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईसॉप। तो ईसॉप में क्या होता है सर, देखो ईसॉप के अंदर कंपनी देकर चलती है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देने के लिए कि आप चाहो तो हमारे इस शेयर को सस्ते रेट पर परचेज कर सकते हो। ओके एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, बिल्कुल सेम चीज हो गई कि एम्प्लॉयज चाहे तो स्टॉक परचेज कर सकते हैं। जैसे कि पीछे पीएनबी ने आपके पास में स्कीम निकाली थी कि अगर उनके एम्प्लॉयज पीएनबी के शेयर को मार्केट से कम वैल्यू पर खरीदना चाहे तो पीएनबी उनको शेयर अपने दे देगा,
ओके ठीक है, या फिर QIP हो गया, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट जो हम लोगों ने अभी पीछे सीखा है ना। ठीक ओके है, अच्छा देखो आगे एक और बड़ी चीज है, इसे कहते हैं इश्यूअर स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, आगे समझाया गया ये कि इश्यूअर हाँ स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होती है। ये डिपॉजिटरी रिसीप्ट, डिपॉजिट रिसीप्ट तो हमने आपको सिखाई है पूरी, है ना। हाँ ठीक है, जो देश के, मतलब जैसे कि आपका शेयर है किसी और देश में जाकर आप उसे चाहते हो कि उसको लोग इन्वेस्टर उसके उसमें इन्वेस्ट करें, मतलब आप अपने देश के अंदर लिस्टेड किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहते हो बाहर के देश के किसी इन्वेस्टर की, तो आप डिपॉजिटरी रिसीप्ट बनाकर चलते हो, जैसे कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट GDR, इंडिया। IDR वेरी गुड आपने सर, कल और सिखाया था। जी सर, ADR IDR, है ना। तो ये सारी आप कर सकते हो, ये प्रेफरेंशियल इश्यूज के अंदर आपके पास में आती है। अब ये सारी चीजें प्रेफरेंशियल इशू में नहीं आएंगी। प्रेफरेंशियल इशू क्या होगा आपके पास में? प्रेफरेंशियल इशू एक ऐसा इशू है जिसमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को एक लिस्टेड इश्यूअर देकर चलेगा सिलेक्टेड पर्सन या ग्रुप्स ऑफ पर्सन को किसी प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर, और जिसमें नहीं इंक्लूड होंगी ये सारी चीजें। तो क्या होता है ना, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा जाता है कि यार राइट इशू में जो पर्सन को प्रेफरेंस देकर चल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं उनको शेयर दिए जाएंगे, तो क्या इसको प्रेफरेंशियल इशू बोल सकते हैं? तो आप कहोगे भैया नहीं बोल सकते आप, राइट्स इश्यू प्रेफरेंशियल इश्यू नहीं होगा। नहीं होगा, ये सारे इशू प्रेफरेंशियल इशू नहीं होंगे। ठीक ओके है, जबकि ये हैं सब प्रेफरेंस वाले, ओके पर ये हाँ प्रेफरेंशियल इशू नहीं कहलाएंगे, है ना। नहीं अच्छा ओके आप देखो, इसे इसी के अंदर लिखा है द इश्यूअर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन बाय सेबी। अच्छा अब इसके अंदर सेबी के प्रोविजंस क्या होते हैं? प्राइस फिक्स होगा, सारे नोटिस के डिस्क्लोजर्स दिए जाएंगे, लॉक इन पीरियड पहले से पता होगा। अब मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं उनके अंदर लॉक इन पीरियड होता है, एक सर्टेन पीरियड के बाद में जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। ओके ठीक हाँ है, तो ये सारी चीजें आपके पास में प्रेफरेंशियल शेयर्स के अंदर जुड़ी रहती हैं। क्लियर ओके हाँ पक्का ओके सर? अब आगे हमारे पास राइट्स एंड बोनस इश्यूज क्या होते हैं। तो देखो सर कितने बड़े समझा रहे हैं, सारी चीजें बहुत बड़े समझा रहे हैं सर। ये बुक आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक है, मतलब इस बुक को अगर कोई ढंग से रीड कर ले ना, अच्छे समझ ले, तो ओके मतलब स्टॉक मार्केट में से नहीं भागने की जरूरत नहीं है। सर देखो, अब हमसे कहते हैं राइट इशू और बोनस इशू क्या होते हैं। तो देखो मैंने आपको समझाया कि राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाएगा। राइट इशू का मतलब है कि अगर कोई नया शेयर निकाला जा रहा है जिसको सस्ते में बेचा जाएगा, तो उसके ऊपर जो सबसे पहला हक है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। राइट्स इश्यू है राइट ना। इशू का मतलब तो ये क्या हुआ कि आपने कोई शेयर्स सेल पे निकाले, मतलब सेल्स आपने शेयर बेचने हैं और आप ये राइट इशू लेकर आए, तो राइट इशू का जरिए क्या है कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कहते हो कि हम ये शेयर्स आपको इस रेट पर अवेलेबल करा देंगे बशर्ते आपके अकाउंट में इतने शेयर होने चाहिए इस डेट से पहले, क्योंकि आप अगर उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो तो कंपनी आपको राइट इशू देकर चलेगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस इशू भी देकर चलेगी, है ना। तो देखो हमसे कहते हैं कि कंपनी या सिक्योरिटीज इशू की जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट पर जिसमें वो बाय कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले आपके पास इतनी क्वांटिटी अगर शेयर्स की है तो हर इतनी क्वांटिटी पर इतने प्रेफरेंशियल शेयर या इतने राइट शेयर्स आप परचेज कर सकते हो, है ना। अच्छा, एनेबल देम टू बाय मोर सिक्योरिटीज एट ए स्पेसिफिक प्राइस इन केस ऑफ राइट इशू, है ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसमें बोनस इंक्लूड नहीं है, अब राइट इशू में बोनस इंक्लूड नहीं है, राइट इशू और बोनस इशू। अब बोनस शेयर्स में क्या होगा, बोनस के शेयर्स मिलेंगे आपके, उसमें बोनस शेयर ऑफर किए जाते हैं किसी रेशियो में, कि जैसे 1:10 का रेशियो, मतलब 10 शेयर के ऊपर आपने 1 शेयर का बोनस दे दिया। ठीक है, तो आपके इसमें दिए जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट। तो मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले अगर आपके पास इतने शेयर हैं तो हम आपको और एडिशनल शेयर्स इस रेट पर खरीदने के राइट्स देते हैं, ये राइट इशू हो गया। अगर आप पर इतने शेयर्स हैं तो इतने 10 शेयर है मान लो, और मैं 1:10 बोल रहा हूं, तो मैं हर 10 शेयर पर आपको 1 शेयर बोनस का देकर चलूंगा अगर आपके अकाउंट में इस डेट से पहले, ये इस डेट तक ये शेयर आपके अकाउंट में होगा। तो अब इन्वेस्टर के पास, आपसे देखो ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब कभी कोई राइट इशू आता है तो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है, अपने आप, मतलब अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ
अब आपके पास तीन अधिकार हैं, आप हाँ इससे तीन काम कर सकते हो। सबसे पहला काम तो आप कर सकते हो कि आप इस राइट का इस्तेमाल करो और जाकर आप नए शेयर्स परचेज कर लो, मतलब और शेयर परचेज कर लो, एक सस्ते रेट पर परचेज कर लो जिसमें कंपनी आपको दे रही है। ओके। दूसरा ये है कि आप अपने इस राइट को किसी और को बेच दो, कि ओके शेयर्स आपके पास हैं हाँ। लेकिन इस शेयर्स को खरीद, ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। तो क्या हुआ कि सर बड़ी जबरदस्त स्कीम्स होती है सर, मैंने देखा कि एक जगह पर गवर्नमेंट ने निकाली कि मतलब जो विधवाएं हैं मतलब उनको ना मतलब वो दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे। ओके सर मेरे को मतलब बड़ी हैरानी भी हुई और मैं आज तक इस चीज को लेकर बड़ा हैरान हूं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एक फ्लैट 1 करोड़ का बिकता हो ओके वहां पर पूरे पूरे मकान कुछ ही लाख रुपए में दे दिए गए। ओके पूरे मकान मतलब जहां पर एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का हो उस जगह हाँ पर एक 36-36 मीटर के पूरे मकान बनाकर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मतलब बनाकर बेच प्लॉट दिए दे गए। दिया, प्लॉट दे दिया, प्लॉट हाँ जमीन के मतलब साथ दे दिया। जमीन के साथ मकान दे दिया उनको बनाकर, है ना, और ओके कुछ कुछ ही लाख रुपए में दे दिए गए उनको। ओके हाँ तो बड़ा अच्छी बात है, मतलब बहुत सारे मतलब जो ऐसी थे उनके लिए तो बहुत अच्छी हेल्प है और देने भी चाहिए। हाँ सर अब यहाँ पर जो बड़े आपके पास में मतलब जो समझो कि जिन, अब इसके बाद भी क्या होता है ना कई बार भी मतलब लोग ऐसे थे कि जो अपना पैसा लेकर आए हाँ ओके और उनसे उस मकान को खरीदने के लिए उन्होंने उसको पैसे दिए कि तुम ये मकान खरीद लो, ओके और खरीदने के जितने साल, अब गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई इतने साल तक आप इस मकान को बेच नहीं सकते हो आप, ओके तो वो क्या कर सकते हैं आपका पावर ऑफ अटर्नी तो ट्रांसफर कर सकती हैं कि मतलब मेरी जगह पर कोई और इसकी देखभाल करेगा। ओके तो लोगों ने पावर ऑफ अटर्नी पर ही वो मकान उनसे महंगे खरीद लिए। सर दोबारा बताइए, दोबारा बताइए तो मैं और आपसे एक कह रहा हूँ कि बार। मतलब देखो वह ये कि आपके पास में हाँ कि किसी ने मकान खरीद मतलब गवर्नमेंट ने मकान दिए ओके लोगों को, गरीब लोगों को सस्ते मकान दिए, ओके अब गरीब लोगों पे उन सस्ते मकान को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, ओ ओके तो कुछ लोग अपने पैसे लेकर आए और कहते हैं पैसा हमसे ले लो, ये और मकान ये तुम खरीद लो, इस ओके मकान के जो राइट्स है वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो। ओके इसे किराए पर उठाऊंगा तो मैं, ओके है ना, बेचूंगा तो मैं, ये राइट्स ओके तुम मेरे को दे दो। तो मतलब उन्होंने क्या करा, ओके राइट्स आप हमें ट्रांसफर कर दो, ये मकान हम तुम्हारे नाम देते हैं और तुम्हें इतना पैसा दे देते हैं। तो ओके वो मकान उन लोगों से खरीदे गए और उनसे सस्ते खरीद कर बाद में उनको महंगा बेच दिया गया। वाह आप बात समझ रहे हो। तो बेसिकली क्या क्या है इंडिया। कि जब कभी भी कोई राइट हाँ इशू आता है तो आपके पास तीन तरीके के अधिकार होते हैं। ओके सबसे पहले तो आप इस राइट का इस्तेमाल करो, इस्तेमाल हाँ मतलब आप किसी स्टॉक्स को और सस्ते में परचेज कर लो। अब ओके इनकेस अगर आपके पास उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने के लिए पैसे नहीं है ओके तो आप इन राइट को किसी को महंगा बेच दो, ओके मतलब आप इसका बेनिफिट लो, ओके मतलब आप इस राइट इशू का बेनिफिट लो। कैसे कि ओके आप अपने इस राइट को अगर मार्केट में महंगा बेचना चाहते हो तो महंगा बेच दो। तो ये जो ओके राइट इशू होते हैं, इन राइट इशू के जो शेयर होते हैं आपके पास में, ये भी लिस्टेड होते हैं, भी ट्रेड होते हैं एज जैसे कि आपके पास में शेयर ट्रेड होते हैं। अब राइट इशू किसका आया था, पीछे रिलायंस का राइट इशू आया था। तो रिलायंस ने अपना राइट इशू निकाला था कि इतने रुपए पर आप ये शेयर हमसे खरीद सकते हो आप इस पर्टिकुलर डेट पे। पूरे एक महीने तक आपके पास में राइट इशू ट्रेड होते रहे, लोग खरीदते रहे बेचते रहे खरीदते रहे बेचते रहे, मतलब इन्हीं अधिकारों को मतलब इन्हीं राइट्स को कोई फर्दर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब खरीद सकता है। तो मतलब वो ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आप उसके ओनर हो, आपने ये ओनरशिप राइट किसी और को दे दिए। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है। और तीसरा क्या होता है कि कुछ लोग इतना ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं भैया हम का चक्कर में पड़े, हमें यूज ही नहीं करना, ना हम इसे किसी को बेचेंगे, है ना, और ना हम खुद लेंगे, ना खुद लेंगे ना किसी को लेने देंगे। सर वैसा मतलब फायदा है क्या उसमें, उसमें कोई फायदा नहीं है ना, उन्होंने कोई फायदा नहीं है सर, उन्होंने राइट्स को लैप्स होने दिया, कुछ भी नहीं करा। ओ मतलब वो नुकसान हो जाएगा है ना, मतलब ऐसे ही है देखो ना। अब सर देखो अब मैं समझाता हूँ आपको सर। सर बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास में जितने का इशू कंपनी देकर चल रही है ओके और स्टॉक अगर आपका मार्केट में उससे सस्ता अवेलेबल है तो कोई राइट इशू को क्यों एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, वही है ना, तो लोगों ने एग्जीक्यूट ही नहीं करना उस जगह पर। आपके फायदा तो तब है ना जब आपके पास में कंपनी किसी महंगे शेयर को सस्ता बेच रही हो,
भाई राइट इशू का मतलब क्या है भाई? राइट इशू में कंपनी एक स्पेसिफिक डेट पर शेयर आपको स्पेसिफिक प्राइस पर देगी। अब अगर मार्केट वैल्यू उस शेयर की उससे ज्यादा है तो राइट इशू को यूज करने का फायदा है। ओके लेकिन अगर मार्केट के अंदर वो जो शेयर है उस वैल्यू से कम चल रहा है तो मार्केट में ओके अगर सस्ता अवेलेबल है तो हम काहे को महंगा खरीदेंगे, हाँ तो राइट इशू को लैप्स करने में फायदा रहेगा, है ना? भाई कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हाँ अगर आपके हाँ पास में हाँ वो समझ गया, मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब वो, राइट इशू को लेकिन तब, वो जी बोलिए ना, यूज यूज नहीं किया तब भी, मतलब राइट इश्यू को यूज ही नहीं किया तो फिर लैप्स वेस्ट है ना जाएगा। वो। हाँ कोई नहीं, आप बात नहीं समझे। अभी कंपनी, अगर कंपनी जिस रेट पर ऑफर कर कर चल रही है अपने शेयर को, सर देखो मार्केट, कंपनी ने शेयर देने 1 महीने के बाद देने हैं। सर एक महीने में तो शेयर मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी का शेयर कितना भी ऊपर कितना भी नीचे जा सकता है। ओके भाई लोगों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेच देते हैं, राइट इशू यूज कर लेंगे, सस्ता खरीद लेंगे। और ओके लोगों ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर बेचने शुरू कर दिए राइट इशू को यूज करने के लिए, ओके और सबने अपने शेयर बेच के राइट इशू खरीद लिए। ओके तो क्या होगा कि क्या आपको वो शेयर जिस रेट पर कंपनी बेचना चाहती है उस रेट से महंगा मिलेगा या सस्ता मिलेगा? भाई आपने मतलब सबने के अगर आपने शेयर बेच दिए, क्योंकि सारे बेच राइट इशू दिया। तो ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट इशू को तो कोई भी ले सकता है, मैं भी ले सकता हूँ, और इस राइट इशू का इस्तेमाल करके किसी शेयर को यूज कर सकता हूँ। भाई किसी ने अपने राइट इशू बेचे, मैंने राइट इशू से खरीद लिया, मैं बैठ गया आराम से। हाँ राइट, मतलब आप ये कह रहे हैं राइट, मतलब मेरे पास पहले शेयर्स थे और मुझे ऑटोमेटिकली राइट इश्यू मिला, तो आपने शेयर इसलिए मुझे मैंने बेच क्या दिए, क्या राइट इशू मुझे किया, बेच दिया। मैंने मेरा अपने एग्जिस्टिंग शेयर को बेच दिया प्रॉफिट में जो भी है, नहीं, और उससे कम आपने आपने राइट इशू मुझे बेच दिया। आप, मैंने राइट इश्यू ही बेच दिया आपको, ठीक है हाँ, तो खत्म। राइट इशू हाँ मेरे पास आ गया। अब हाँ उस राइट इशू की वजह से मैं किसी स्टॉक को मार्केट में सस्ता खरीद सकता हूँ। हाँ अब अगर मार्केट के अंदर, समझिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास मार्केट के अंदर जो शेयर है जितने का मुझे कंपनी दे रही है उससे भी सस्ता हो गया, ओके तो क्या ये शेयर में तो क्या ये राइट इशू मैं आपसे खरीदता? नहीं नहीं खरीदता खरीदते, आपसे। तो नहीं खरीदते। उस कंडीशन ओके में आप इसे कैसे बेचते? बेच ही नहीं सकते थे, आप कोई खरीदने वाला बेच ही ही नहीं है नहीं आपसे, सकते। तो हाँ राइट इशू लैप्स हो जाएगा। तो हाँ आप उसे लैप्स होने दोगे? हाँ वैसे एग्जाम्पल समझो आप, अगर सपोज करो रिलायंस अपने किसी शेयर को 2100 रुपये में आपको दे रहा है, ओके और इस राइट इशू की कीमत आपके पास में 100 रुपये है, ओके मतलब इस राइट इशू को आपके अकाउंट में 100 रुपये में क्रेडिट कर दिया गया कि 100 रुपये में राइट इशू है, ओके आपने बाकी के 2000 रुपये देने हैं, इसे 100 रुपये में राइट इशू को ले लो, ओके और बाकी 2000 रुपये लेके 2100 रुपये में शेयर हमसे ले लेना। ओके अगर मार्केट में रिलायंस का शेयर 2500 का हो गया, ओके तो आप बताओ ये 100 रुपये का जो शेयर मैं आज खरीदूंगा, ये मुझे 400 रुपये तो कमाकर दे रहा है ना, तो मैं इस राइट इशू को खरीद लूंगा आपसे 100 रुपये में। लेकिन यही शेयर अगर मार्केट में 2000 रुपये का हो गया और 100 रुपये का मैं आपसे राइट इशू लूंगा, और 2000 रुपये कंपनी को देके 2100 रुपये में शेयर खरीदूंगा जो कि अभी मार्केट में 2000 का मिल रहा है, तो मैं आपसे क्यों 2100 रुपये, क्यों मैं आपसे 100 रुपये में लूंगा ये, हाँ ओके हाँ है ना? तो इसको लैप्स होने में फायदा है। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब हमसे कहते हैं इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स में क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उन शेयर्स की जगह पर, मतलब उन शेयर्स की जगह कह रहा हूँ, उन शेयर्स के बिहाफ पर कंपनी आपको कुछ बोनस शेयर्स इशू करके देती है। अब वो उसका बोनस इशू होता है, तो कंपनी इशू करती है बोनस शेयर्स अगर आपके पास में, कंपनी के पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ अर्निंग रहती है, मतलब प्रॉफिट रहता है, तो वो अपने इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ऑफरिंग्स हाँ ओके देखिए, ठीक है, अगर कंपनी कैपिटल उठाती है डोमेस्टिक मार्केट से ओके तो कहलाएगा ऑनशोर, ओके और कंपनी अगर आपके पास में कैपिटल उठाती है फॉरेन मार्केट से ओके तो ऑफशोर। ओके तो कोई ऐसी ऑफरिंग जिसमें कंपनी ने कैपिटल रेस करनी है ओके अपने डोमेस्टिक मार्केट से रेस करनी है, ओके इसको हम बोलेंगे ऑनशोर। ओके और जब कभी उसने कोई ऐसा इशू निकाला जिसमें वो कैपिटल को रेस कर कर चलेगी एक फॉरेन मार्केट से, तो ओके हम उसको बोलेंगे ऑफशोर मार्केट ऑफरिंग। ठीक है सर, ओके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ पक्का? हाँ
चलिए अब मैंने आपको बताया ऑफर फॉर सेल। सर ऑफर फॉर सेल क्या होता था, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचती है। हाँ, अब एग्जिस्टिंग शेयर्स किसके पास होते हैं, कंपनी के मालिक के पास या कंपनी कंपनी के के प्रमोटर पास। के पास, हाँ ठीक है हाँ जी। तो देखो उसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल इज ए फॉर्म ऑफ शेयर ऑफ सेल जहां शेयर ऑफर किए जाते हैं आईपीओ या फर्दर पब्लिक ऑफर में, फ्रेश शेयर इशू नहीं किए जाते। ओके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेच देते हैं, ओके तो इनको बोलते हैं ऑफर फॉर शेयर। और इसको मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ कवर किया है ना, हाँ पक्का क्लियर है ना। हाँ अच्छा देखो अब गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं भाई। अब ओके जैसे कि पीछे देखा था आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है भाई, ओके गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। गवर्नमेंट ओके कहती है कि बिजनेस आप लोग करो, हमें तो गवर्न करने दो ओके कि आप लोग बिजनेस सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो देखो एक चीज बताता हूँ, बड़ी जबरदस्त बात है ये मतलब बहुत कम लोगों के बारे पता होती है। सर दुनिया भर के अंदर जितनी भी सरकारें बनती हैं सर, ये कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है ना बड़ी तेज होती है। सर कुछ जगहों पर कंपनी क्या होती है, ऐसी जगह पर रिसर्च के अंदर सारी ऐसी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है कि हम सपोज करो एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर अपनी मतलब ना रिसर्च करेंगे और उसमें हमारा बहुत पैसा लगेगा। अब वो ओके दवाइयों से रिलेटेड भी हो सकती है, हो सकता है एनर्जी से रिलेटेड हो, किसी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। तो वो कहती है कि हम एक रिसर्च करेंगे, इस रिसर्च से ह्यूमन काइंड को बहुत फायदा होगा, लेकिन क्या है कि इसमें हमारा बहुत पैसा भी लगेगा। ओके तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप ये रिसर्च करो। तो कहते हैं गवर्नमेंट से ओके पैसा दो, तो गवर्नमेंट कहती है हम तो पैसा नहीं दे सकते। ओके अब समझिएगा ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। सर ओके कंपनी ये कहती है कि हम ये रिसर्च करेंगे और इससे लोगों को प्रॉफिट होगा, लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन एक हमारी शर्त है। कहते ओके हैं शर्त क्या है, कहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी फैसला अगर हमारे प्रॉफिट के अगेंस्ट जाएगा तो हम गवर्नमेंट को ही सू कर सकते हैं। ओके ऐसा एक छूट चाहिए। हाँ ऐसी छूट चाहिए। ओके अब गवर्नमेंट को होगा कि यार ऐसा क्या होगा, है ना। हम ऐसे कोई, ओके हम तो खुद चाहते हैं कि ऐसे काम करें जिससे क्या कहते हैं कि देश में मतलब कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ओके तो किसी वजह से सपोज करो इस लॉ को पास कर दिया जाए और इस क्लॉज को उन एग्रीमेंट्स के अंदर लिख दिया जाए, ओके सर उसका नुकसान देख रहे हो कितना बड़ा होगा। हाँ गवर्नमेंट चाहकर भी कभी उनके बिजनेस में दखल नहीं दे सकती, क्योंकि भाई अगर कभी उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से उनके बिजनेस को नुकसान होगा तो ओके वो गवर्नमेंट को ही सू कर सकते हैं, हाँ है ना। तो क्या होता है सर देखिएगा, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हमारा काम है गवर्नेंस करना, बिजनेस करना तो नहीं है, ओके बिजनेस आप लोग करो। तो ओके गवर्नमेंट क्या कहती है, अपनी जो उसकी होल्डिंग होती है ओके जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है गवर्नमेंट के पास में, जो पब्लिक हाँ सेक्टर अंडरटेकिंग जब गवर्नमेंट के पास होती है तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि उनके अंदर जो गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उनको ऑफर फॉर सेल में बाहर निकालेगी, मतलब उनको बेचेगी। ओके तो गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचती है, जैसे ओके एलआईसी के अंदर गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा, है ना। तो ओके गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचकर चलती है, तो इसको हाँ बोलते हैं आपके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। क्लियर है, ओके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब से देखो मैंने आपको एक चीज बड़ी प्यारी समझाई थी, ये आपके पास में ये स्वेट इक्विटी, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके तो स्वेट इक्विटी का मतलब क्या है, कि कंपनी ने कोई शेयर्स इशू किए, ध्यान समझिएगा, कंपनी ने शेयर इशू किए अपने एम्प्लॉयज को, ओके अपने प्रमोटर्स को, अपने टेक्नोक्रेट्स को, एक रिवॉर्ड की तरह, क्योंकि उनकी जो कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत अच्छी थी। तो देखो स्वेट का ओके मतलब होता है पसीना। अब हाँ जिसने अपना पसीना बहाया है खून की तरह, है ना, कंपनी को बनाने में, ओके ये ऐसा समझ लो जिसने अपना खून पसीने की तरह बहाया है ना ओके कंपनी को बनाने में। तो कंपनी क्या करती है, उसको, उस एम्प्लॉय को, उस प्रमोटर को, उस टेक्नोक्रेट को कोई रिवॉर्ड देना चाहती है, ओके तब अगर वो कोई शेयर इशू करके चलती है तो इसको स्वेट इक्विटी बोलते हैं। तो मैंने बस ओके एक बात छोटी सी गलत बोल दी थी, इसको वापस से करेक्ट करता हूं। जब कभी किसी एम्प्लॉय ने अपने खून को पसीने की तरह बहाया होता है, खून को पसीने के तरह ओके मतलब कहने का ये कि उसने दिन रात एक कर दिया होता है कंपनी को ओके एस्टेब्लिश करने के लिए, हाँ तो कंपनी देखो, अब कंपनी ने उससे कोई कैपिटल तो नहीं ली, अच्छा फ्री में दे कंपनी ने देते हैं क्या?
तो हमसे फ्री कहां से हो गया सर? उसने कंपनी को खड़ा कर दिया भाई, उसने कंपनी को क्रिएट किया हाँ अपनी मेहनत और अपनी अकलमंदी, अपनी सूझबूझ की वजह से, ओके है ओके ना? तो कंपनी क्या ओके करती है ऐसे एम्प्लॉयज को या ऐसे प्रोमोटर्स को या ऐसे टेक्नोक्रेट्स को ओके अपने कुछ शेयर्स, मतलब अपनी कुछ पार्टनरशिप, एक कंट्रीब्यूशन की वजह से कंपनी दे के चलती है, गिफ्ट दे के चल रही है ना? इस इक्विटी को हाँ बोलते हैं स्वेट इक्विटी। हाँ ओके और इसका क्या पर्पज होता है कि लोग जी जान से कंपनी के अंदर काम करें भाई, जी जान से लोग कंपनी के अंदर काम करें, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मतलब लोग मोटिवेट हो सकते हैं, एम्प्लॉयज और टॉप मैनेजमेंट है आपके पास में इसका डिसीजन लेके चलता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, है ना ऐसा कभी हुआ है? सर? क्यों नहीं होता सर कंपनी? अरे सर कितनी जगह होता है सर, अभी पीछे जो मतलब इसने कोटक महिंद्रा बैंक ने कितने सारे शेयर सबने दिए थे अपने एम्प्लॉयज को, वो ईसॉप में दिया होगा ना ईसॉप में ऐसा? देते हैं सर। देखो स्वेट इक्विटी का एग्जांपल है एज इट इज, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से ये ऐसी न्यूज को बहुत ज्यादा कवर नहीं करते, है ना? लेकिन मैं ओके जहां तक मैं जानता हूं, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी आपका कि जो वो थे आपके उसमें अलीबाबा के जो फाउंडर थे जैकमा, वो अपने हाँ एम्प्लॉयज को ऐसी इक्विटी दिया करते थे कि ठीक है कोई बात नहीं, जब कंपनी लिस्टेड होगी तब तुम देखना तुम कितने अमीर बन जाओगे, और वो शेयर दे दिया करते ओके थे अपने, है ओके ना? तो ये होता ओके है सर, ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी जगह पर आपके पास में, अब हाँ सर मैं आपको बताता हूँ ऐसा कहाँ होता है, बताओ सर? हाँ आपने देखी ना पुष्पा राज? पुष्पा मूवी हाँ पुष्पा राज मूवी देखी है? नहीं देखा मैंने, नहीं पुष्पा देखी है? नहीं देखी? देखी तब मूवी, नहीं पुष्पा देखी। मूवी देखिएगा, तो उसके अंदर स्वेट इक्विटी दिखाई दे जाएगी आपको, है ओके ना? ओके वो 4% के शेयर से 50% के शेयर तक पहुंच गया था, ओके है ना? तो वो आपको उसमें दिखाई दे जाएगी स्वेट इक्विटी, क्लियर सर? ओके अब सर अगली चीज आती है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब ईसॉप। ईसा अब सर देखो सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है सर, हाँ ईसॉप, ईसॉप बहुत ही जबरदस्त तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ ईसॉप में क्या रहेगा सर। देखो सबसे पहले क्या होगा, कंपनी ने कहा कि भाई देखो तुम हमारी कंपनी के अंदर काम करो, जी जान से काम करो, ओके कंपनी का शेयर है 3,000 रुपए का, ओके 1 साल के बाद आप अगर चाहो तो कंपनी का ये जो शेयर है आपके पास में ये हम आपको 1,000 रुपये में दे देंगे। ओके तो कंपनी ने आपको शेयर कितने का दिया? 1,000 रुपये का दिया। आज उसकी कीमत कितनी है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये चल रही है। तो ओके कंपनी ने बेसिकली आपको कितना बोनस दे दिया? 2,000 का। तो सर हाँ 2,000 का हाँ कंपनी ने आपको 2,000 का बोनस दे दिया, हाँ तो कंपनी दे तो आपको बोनस ही रही है ना, हाँ और ये बोनस क्या आपकी इनकम है हाँ भाई? बोनस की आपकी इनकम काउंट की जाएगी, बिल्कुल तो इसके ऊपर आप टैक्स भी दे के चलोगे, देना ठीक पड़ेगा। है? अब देखो अब कंपनी ये कहती है आपसे कि ये जो बोनस है ये आपको दिया जाएगा आज से 1 साल के बाद, अच्छा मतलब 1 साल के बाद भी आप इस शेयर को 1,000 रुपये का खरीद सकते हो। ओके अब क्या ओ होगा, ओहो एम्प्लॉय, पूरी बात समझना ध्यान से सर, हाँ आज अगर कंपनी देती तो आपको बोनस कितने का मिलता है? 2,000 रुपये का। ओके आज कंपनी ने आपसे वादा किया कि ये शेयर हम आपको 1,000 रुपये का दे देंगे, आज इसकी कीमत 3,000 रुपये है। ओके एम्प्लॉय क्या बोलेगा कि यार इस शेयर की कीमत अगर मैं मेहनत करूं और ये कंपनी ग्रो कर जाए ओके तो बढ़ भी तो सकती है, हाँ 3,000 से 5,000 भी हो सकती है, हाँ तो मेरा बोनस कितना हो जाएगा? 4,000 का हो जाएगा। ओके तो पूरा 1 साल जी जान से काम करेगा, कंपनी के लिए एक लॉयल एम्प्लॉय बन के काम करेगा, ओके है ना? ये तो होगा मतलब। तो कंपनी ने क्या करा, हाँ ईसॉप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए कंपनी अपने ऑप्शन मतलब अपने एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है कि आप बिल्कुल एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर एक पर्टिकुलर डेट के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इस पर्टिकुलर टाइम को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं वेस्टिंग कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर वेस्टिंग पीरियड के बाद, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आप ये शेयर हमसे खरीद सकते हो। ओके जनरली वेस्टिंग टाइम क्या होता है? 1 साल से ज्यादा का टाइम होता है। ओके और कंपनी ऐसा करती क्यों है? देखो है तो ये भी एक तरीके की स्वेट इक्विटी, पर हाँ कंपनी ऐसा करती क्यों है? कंपनी का रीजन क्या करने का, ये कि जो एम्प्लॉयज हैं इंटरेस्ट हाँ से, कंपनी के इंटरेस्ट में इसलिए काम करें क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हाँ आप बात समझ गए? हाँ तो ईसॉप के जरिए कंपनी क्या करती है, मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को कि वो इंटरेस्ट में काम करें कंपनी के, बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर? हाँ हाँ तो सर हाउ वाज द क्लास? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर।
आपको सर, पसंद आ अभी रही है? एक 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 डाउट है, अभी पूछे ईसॉप में ये मतलब इंस्टेंटली, मतलब अच्छा मैंने मेहनत भी कर लिया, हाँ। अनाउंसमेंट 1 साल या 2 साल पहले होता है, वो दो हाँ साल बाद ही दिया जाएगा है नहीं ना? नहीं एक साल पहले आपको प्रमोशन किया जाता है कि कंपनी ने हाँ कोई ईशॉप निकाला है, आप लोग अगर इसे ऑप्ट करना ओके चाहते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ओके अगर आप चाहो तो 1,000 रुपए के अंदर ये शेयर आपको कंपनी देगी, और इसकी जो अभी मार्केट वैल्यू 3,000 रुपए, 1 साल के बाद देगी आपको। तो ओके एम्प्लॉय इतनी मेहनत करते हैं कि 1 साल के बाद उनको शेयर मिलना है, ओके तो वो आपके पास में इतनी मेहनत करते हैं कि शेयर की कीमत 3,000 से तो ज्यादा ही हो, अगर जो मतलब ओके आज की जो मार्केट वैल्यू उससे तो ज्यादा ही हो, ओके इसलिए। लेकिन इंस्टेंटली देते नहीं है ना, तो मतलब वही मैं इंस्टेंटली अब देखो समझ सर, बेसिकली क्या है कि कंपनी ने, देखो सर इसे आप ऐसे समझ के चलो, भाई मैंने कहा क्या कहते हैं कि यार कल को जब मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, ठीक हाँ है, तो यार तेरे लिए मैं गाड़ी खरीद के लेकर आऊंगा, ओके है ना। अब आप ये समझो, अब कंपनी कहती है, कहते हैं कि जब हमारी कंपनी 1 बिलियन की कंपनी बन जाएगी ना, 1 बिलियन डॉलर की ओके नेटवर्क हो जाएगी, तो हम अपने सारे एम्प्लॉयज को एक एक मारुति कार गिफ्ट करेंगे। ओके सर देखो जो एक हीरे के व्यापारी हैं हाँ गुजरात के अंदर, उन्होंने गुजरात तो, है ना, गुजरात में है ना, तो में, उन्होंने तो अपने एम्प्लॉयज को मकान गिफ्ट किए थे। हाँ, कार गिफ्ट किए, मकान गिफ्ट किए, मतलब अनबिलीवेबल था एकदम। हाँ, तो सर बेसिकली आप ये समझो क्या है, इसे एम्प्लॉयज क्या हुआ। अब से देखो एक एम्प्लॉय से आप क्या करो, वादा करके चल रहे हो, और अगर आप अपने इस वादे को पूरा करते हो तो ओके क्या ये एम्प्लॉयज कभी भी आपको छोड़कर जाएंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मान लो चले भी गए, हाँ तो जो पुराने नए एम्प्लॉयज आएंगे क्या वो हाँ उतनी मेहनत नहीं करेंगे जितना पहले वाले करते थे? हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ क्योंकि वो बेशक आपको छोड़कर चले गए, लेकिन वो क्या करते हो जाएंगे कि इसने जो बोला वो किया, हाँ तो जो नए एम्प्लॉयज होंगे वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे। भाई जैसे कि किसी कंपनी के अंदर ये बात लिखी हो, इस कंपनी को ज्वाइन करते ही ये कंपनी आपके इसमें 6 महीने में आपको फॉरेन ट्रिप पे भेज देती है, ओके और वो हमेशा भेजती हो, ओके कंपनी की पॉलिसी हो। और फॉरेन ट्रिप क्या है भाई, अगर सपोज करो इंडिया की कंपनी ने सिंगापुर के अंदर भी अपना ऑफिस खोल रखा है, तो वो सिंगापुर के ऑफिस में पोस्ट कर देती हो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कि हाँ ओके जाओ जाकर ट्रेनिंग लेकर आओ, है ना। तो सर इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा तो बस कंपनी जबरदस्त। अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज के ईसॉप को करके चलती है, ओके ऑब्जेक्टिव प्राइम यही है बस, है ना। ओके ठीक है सर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, समझ ओके क्रिस्टल हाँ हाँ क्लियर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।